दुर्ग को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत पूरे देश में नंबर एक लाने निगम द्वारा कराई जा रही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने शहर की जनता दिखा रही है रुचि। पंजीयन फॉर्म लेने अब तक 217 लोगों ने जमा किया फॉर्म। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निगम दुर्ग द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन और बेहतर क्रियान्वयन हेतु निगम द्वारा शहर दुर्ग को नंबर वन लाने की मंशा के अनुरूप कई आयोजन कर शहर की जनता से सहयोग की अपील कर रही है। इसी कड़ी में दुर्ग नगर निगम द्वारा दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त के दिशा निर्देश के बाद स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्वच्छता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिभागी नगर निगम कार्यालय में पंजीयन फार्म लेने पहुंच रहे हैं, जिसमें अब तक 217 फार्म लोगों ने लिया है और प्रतियोगिता में रुचि भी दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि 12 विषयों पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अभियान के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर जैसे स्वच्छतम विद्यालय, स्वच्छतम हॉस्पिटल, स्वच्छतम बाजार, स्वच्छतम मोहल्ला, स्वच्छतम होटल, स्वच्छतम वार्ड, स्वच्छतम आंगनबाड़ी सहित अन्य विषयों पर प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस संबंध में दुर्ग निगम के सहायक स्वास्थ्य प्रभारी जावेद अली ने न्यूज टीम को प्रतिक्रिया दी। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा स्वच्छतम प्रतियोगिता का कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय महापौर महोदय और आयुक्त महोदय के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है और इसके लिए जो है हमने विभिन्न जो श्रेणी में प्रतियोगिता का कैटेगरी रखा है उनके माध्यम से ये आवेदन जमा हो रहे हैं। अभी तक 217 आवेदन जमा हो चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिता कार्यक्रम है वो इस प्रकार है कि स्वच्छतम विद्यालय है, स्वच्छतम गार्डन है, स्वच्छतम स्कूल है, स्वच्छतम बैंक है, वार्ड है और इस तरीके से एसआरएम सेंटर है और आपका होटल रेस्टोरेंट, तो 12 कैटेगरी की प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है 217 आवेदन जमा हो चुके हैं, जिसकी तारीख आज के दिनांक में 5 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है और फिर उसके बाद जो नगर निगम की टीम गठित की गई है उनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा और जो उत्कृष्ट प्रतिभागी बनेंगे उनको प्रथम, सेकंड और थर्ड प्रतियोगिता में उनको सम्मानित किया जाएगा। ये जांच जैसे जिस होटल में जाएंगे उस होटल की साफ़ सफाई व्यवस्था, उसका रख रखाव किस तरीके से रखा गया है, वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई कि नहीं, नागरिकों को किस तरीके से सुविधा उपलब्ध हो रही है, जो पैरामीटर शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं उस पैरामीटर पे यदि वो सही पाए जाते हैं तो उस हिसाब से जिसके अंक ज़्यादा मिलेंगे उनको प्रथम और उसी क्रमशः उसको सेकेंड थर्ड का वो किया जाएगा। ट्रेंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।